एक महिला उसके तीन बच्चे थे और उसने चौथी शादी की तीन पतियों को तलाक दे दिया तो जब चौथे पति के साथ फेरे ले रही थी तो उसका सबसे छोटे वाला बच्चा रोने लगा तो दो तीन बार उसने कहा कि चुप रहे चुप रहे फेरे लेने दे चुप रहे बच्चा चुप भी नहीं हो रहा था तो उसने बच्चे को डांटा कि चुप नहीं होगा तो अपनी अगली शादी में नहीं ले जाऊंगी तुझे <laughs> तो तालियां जोरदार बजाइए तो बच्चे का तो कुछ नहीं हुआ दूल्हा वहीं बेहोश हो गया <laughs> बोले कि <का... laughs> मामला तेरा भी बिगड़ने वाला है तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं बहुत सारी बातें हैं वो भी हम करेंगे लेकिन मैं फिलहाल क्रम आगे बढ़ाता हूं और बुलाता हूं मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा को जैसा उनके बारे में बताया गया लगभग मैं समझता हूं कि मुमताज़ ने जब से शायरी शुरू की हम लोग तब से साथ साथ हैं अमरीका हम एक लंबी यात्रा पर दोनों गए और वो इतनी मोहब्बत उन्हें उर्दू मंचों की हासिल है उतनी ही वो हिंदी में भी जनता उन्हें प्यार करती है मैं मुमताज़ दो पंक्तियां तुम्हारे लिए कहता हूं कहता हूं कि यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूं अगली दो पंक्तियों पर एक बड़ी शायरा हमारे बीच है समझ जाओ मेरा इशारा तो उसे आवाज दे देना यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूं तेरी आंखों को देखा था किसी दिन उसी दिन से मैं उर्दू बोलता तो जरा तालियां बजा दीजिए मोहब्बत की शायरा का जो मोहब्बत के शेर आपको फिर से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम सभी जानते हैं कि आज संतोष आनंद जी को जी भर के सुनना है और हम सब भी यही सोच कर आज मंच पर आए हैं तो कोशिश ये करेंगे कि अपनी बहुत ही ए, कम सी पारी में ज़्यादा अशार आप तक पहुँचाएँ चंद अशार आपकी खिदमत में हाज़िर करूँगी और अपना ये सफ़र यहाँ से शुरू करूँगी एक मतला और एक शेर पढ़ती हूँ कि चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए <hugging> चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए और शेर के शब ज़िंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं? शब ज़िंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं? जो चराग मैंने जलाए थे वो चराग तुमने बुझा दिए वाह! जो चराग मैंने जलाए थे वो चराग तुमने ज... बुझा दिए और एक मतला और याद आता है पढ़ती हूँ इसका कि अगला एक मतला है मुझे अच्छा लगता है मैं पढ़ती हूँ अक्सर उसको कि तुझे इसकी कोई ख़बर नहीं तुझे इसकी कोई ख़बर नहीं ये मेरे सुकून की बात है तुझे इसकी कोई खबर नहीं ये मेरे सुकून की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है एक फोन की बात है बहुत शुक्रिया बड़ी मोहब्बत आप सभी की मेरी जिंदगी का सवाल है एक फोन की बात है अब एक गजल पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि जब भी हम गाज़ियाबाद आते हैं तो अलग किस्म की तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि वही चेहरे देखे हुए वही मोहब्बतें वही प्यार आप लोगों आप तो आप का लेकिन आपकी तालियों में कहीं कोई कमी ना हो जाए उसके लिए कुछ कुछ कह रहे हैं संतोष जी कि मुमताज़ ही नहीं कहती मोदी जी भी कहते हैं क्या है वो आपको वही बताएंगे तो बहुत प्यार करते हैं संतोष जी जी मैं एक गजल बिल्कुल ताज़ा गजल है पढ़ना चाहती हूँ और सभी मेरे अग्रज यहाँ बैठे हैं परवाज़ जी आनंद जी और हमारे कौशिक साहब भी बैठे हैं सब लोग हैं तो सबकी उपस्थिति में एक फिर से नई गज़ल और आप सब लोगों की मोहब्बतों के लिए कोशिश करती हूं कि आप तक पहुंच जाए हाजिर कर दी जी आ, एक ताजा गजल जिंदगी भर रुलाया जिंदगी भर रुलाया मुझे आपने और आंखों पानी नहीं चाहिए ज़िंदगी भर क्या, क्या हुआ। वाँ। वाँ। बहुत शुक्रिया ताजा गजल है कहीं नहीं पड़ी है बहुत अच्छी। पहली मरतबा आप सब लोगों की मोहब्बतें मांग रही हूँ बहुत शुक्रिया संतोष जी की मोहब्बतें मिल रही हैं बहुत शुक्रिया मैं हाजिर करती हूँ सुनिएगा <coughs> जिंदगी भर रुला घर की मेहरबानी गवारा मुझे आपकी मेहरबानी नहीं, नहीं चाहिए।, चाहिए भाई एक बार पूरा सदन तालियां बजाए किस सलीके से बात कही मुमताजी जिंदाबाद बहुत शुक्रिया बोलता हुआ बहुत शुक्रिया बड़ी मोहब्बत है आप सभी आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए जिंदगी भर रोला मुझे अपने और आँखों में पानी नहीं चाहिए घर की महरबानी गवारा मुझे आपकी महरबानी नहीं चाहिए बहुत शुक्रिया अब एक और शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ के अब नए रास्ते की मुसाफिर हूं मैं अब नए रास्ते की नहीं, नहीं चाहिए वा, 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 कोई पुराना बहुत शुक्रिया और शेर जो मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है वो पढ़ती हूँ तौर पर सुनिए और मंच के अपने सभी साथियों की भी मोहब्बतें मांगती हूँ सुनिएगा सतेंद्र जी को बहुत बधाइयाँ कि इतनी खूबसूरत महफिल उन्होंने आप सब लोगों के लिए सजाई है एक मरतबा उनके लिए आप तालियां बजाएं हाजिर करती हूँ जिंदगी भर वादा करती हूं तुझको भुला दूंगी मैं तेरे सारे खतों को जला दूंगी मैं वादा करती हूं तुझको वादा कर निशानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वाँ। 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 बहुत मोहब्बत मैं फिर से पढ़ती एक बार दोबारा पढ़िए मुमताजी से वाह वाह, वाह, वाह। मैं पढ़ती हूँ आप लोगों की वही मोहब्बतें मांगती हूँ क्या बात है वादा करती हूँ तुझको भुला दूंगी मैं आपको अच्छा लग रहा है बहुत शुक्रिया आपकी यही मोहब्बतें चाहिए एक और खूबसूरत सा शेर आपके हवाले करती हूं तौर पर सुनिएगा या तो तुम मुझसे अब बोलना छोड़ दो और बोलो नहीं चाहिए कोई ता, 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 फसाना नहीं चाहिए कोई कोई झूठा झूठी कहानी नहीं चाहिए और आखिरी शेर पढ़ती हूँ और यही मोहब्बतें आपकी चाहती हूँ तौर पर सुनिएगा तेरी खुशबू से जो दिन भी वो मुझको हरे गिज नहीं चाहिए रात भी वो सुहानी नहीं चाहिए दिन भी वो मुझको हरे गिज नहीं चाहिए रात भी वो सुहानी नहीं चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद मुमताज जी का मुमताज हाँ। जी गज़ल सुनाती जा रही थी और परवाज साहब ये कहते जा रहे थे बहुत चोट खाई हुई है <laughs> <laughs> बहुत कड़वी गजल है ये हाँ बिल्कुल <laughs> मैं तो आपको ये बता रहा हूँ जो ये दद्दू पीछे बैठे बैठे बोल रहे थे बहुत गहरी चोट है बहुत दिल पर लग रही है <laughs> बहुत कड़वी गजल है तो ये देखिए ये उस्ताद लोग हैं यदि ये कह रहे हैं तो इन शब्दों के पीछे भी कोई भाव है कोई गहरी अनुभूति है कि बात कहाँ से कहाँ तक पहुँची हुई है लीजिए मित्रों मैं